अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। हमने बायो का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, तो इसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, यानी कि एमसीक्यूज़ है हमारे पास। ये मैंने आपके लिए सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, पेज नंबर 16 पे सारे एमसीक्यूज़ के आंसर आपको सॉल्व हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप एक दफ़ा पढ़िएगा, सारी स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। इसका मैंने पेज नंबर मेंशन किया हुआ है, पेज नंबर 2 पे इसका आंसर मेंशन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द एल्वोलाई। इसका आंसर पेज नंबर 5 पे मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमा एंड लेंटिकल्स। इसका आंसर है पेज नंबर 2 और 3 पे। या आपने शॉर्ट क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, हाउ डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट। राइट डाउन द स्टेप्स फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये सारे जो है आपके बुक पे गिवन है, इन सब के आंसर टॉपिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन है ये, आपने इनको जस्ट याद करना है, इनको आपने लिखना नहीं है। नोटबुक पे आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं और जो डायग्राम्स मैंने आपको मेंशन की हुई हैं आपके असाइनमेंट में, वो डायग्राम्स आपने बनानी है। ठीक है, तो ये आज आपका आज का लेसन है, इन क्वेश्चन को लिखिएगा भी और याद भी कीजिएगा। थैंक यू।